देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर शुभेंदु ने इस बारे में एक दो रिव्यू ले लिए हैं। जो भी इसके लिए कुछ अरेंजमेंट हमें करना है वो तो हमने ऑलरेडी ऑन बोर्ड ले लिया है। हमारी कुछ ज़्यादातर वही टेंडरिंग होती है, टेंडरिंग का प्रोसेस हमने इसके लिए ई टेंडरिंग किए हैं, उसमें हमने अलाटमेंट भी इशू किए हैं। और जितने भी अब पता चलेगा कितनी डेप्थ होगी, बर्फ़ की क्या होगी, उसके हिसाब से हम मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे। और इस साल में कुछ और हमें एक सुनो ट्रैक्टर भी मिला है डायरेक्टर रिवल कश्मीर की तरफ से, तो वो भी हमें इस साल अलग जो हमें जो छोटे छोटे लेनर्स होते हैं उनके लिए वो दरकार आए। उसके लिए हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए कि जो भी यहाँ के ज़्यादा शहरी हैं उनको हमने पहले ही मुतल किया है कि भाई भैया अपने नोट्स, हमने अनाउंसमेंट भी किए कि जो भी छत से जो बर्फ़ गिरती है, जो गली कूच में फिर 4 फुट का अगर जाता होता फिर 10 फुट होता है, उनको हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड किया कि वो वहाँ से स्नो ब्रेकर लगाए अपने अपनी छतों पर, ताकि लोगों को चलने फिरने में कोई दुश्वारी नहीं आएंगी। हमें इस साल और भी कुछ और भी लेबर्स हमने लाए हैं, जो हमारे जो मोटरे पर रोड्स नहीं होते हैं टाउन में, उनको के लिए हमने जो लेबर जिनको कहते हैं कि लेबर्स का भी अरेंजमेंट करके रखा है इस साल।